अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान अदीब है और आप देख रहे हैं सलमान अदीब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है कि आपके पास ये जो अब न्यू फेसबुक आई है, यानी कि ये जो बार आई है न्यू, तो इसको आप ऐड और रिमूव कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये पसंद है तो आप अपडेट करेंगे तो ये आ जाएगी, अगर आपको नहीं पसंद तो इसे ख़त्म कैसे करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद इस बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियो टाइम बाई टाइम मिलती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं सबसे पहले अपनी फेसबुक ऑन करता हूँ। तो आप ये बार देख सकते हैं, ये वाली जो बार है, ये जो है हम अभी मेरे पास बार नीचे आ रही है, इसे ऊपर कैसे लेके जाना है। तो इसे ऊपर भी ले जा सकते हैं और यहीं पे भी रहेगी ये। तो अगर आपको ये फीचर अच्छा लगता है, यानी कि पहले वहाँ पे छोटी सी एक पिक लगी थी और उसके साथ लिखा हुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने उसके आइकॉन देख सकते हैं गुलाई में कर दिए और बड़े बड़े कर दिए, और इसमें कुछ फीचर नए भी ऐड कर दिए हैं। अगर आपको ये वाली चीज़ पसंद है तो इसे रहने दें। अगर आपने सिंपल वो दूसरे पहले वाली करनी है कि आपके पास ऊपर आने चाहिए नोटिफिकेशन, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये जो आईडी है, ये मेरी अभी ओपन है, तो मैं इसे एक बार बंद करता हूँ। अब हम इसे रिमूव करने जा रहे हैं, तो इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा। इस पे लॉग आउट पे हम क्लिक करेंगे, तो ये लॉग आउट होने दें, उसके बाद देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लॉग आउट हो चुके हैं, यानी कि वो जो हमारे न्यू जो फीचर आया था नीचे, यानी बार आ गई थी, तो वो ख़त्म हो जाएगी। अब मैं दोबारा किसी और की आईडी ऑन कर देता हूँ। जैसा कि मैं ये एक आईडी ऑन कर लेता हूँ, बेशक आप अपनी कर लें। अगर अपनी दोबारा लॉग आउट करके लॉग दोबारा कर लेंगे तो अगर ना आए तो फिर आप किसी और की आईडी ऑन कर लें। जैसे ये मैंने ऑन की, ये देख सकते हैं आप, इसके फीचर्स ऊपर आ गए हैं, तो पहले नीचे थे, तो अब इसको मैं नीचे जो है कैसे लेके जाने हैं। तो इसी तरह आप करके इसको दोबारा आप बंद करें, बंद करके दोबारा अपनी आईडी ऑन कर लें, तो आपके जो हैं ये वाले जो आइकॉन वगैरह हैं तो ये ऊपर आ जाएंगे। तो जैसे कि अब हम ऊपर आ गए, अब दोबारा हम इसे लॉग आउट करते हैं और दोबारा अपनी आईडी जो है ऑन कर लेते हैं, तो उसमें आप देख लें कि वो दोबारा ऊपर चले जाएंगे, यानी कि जो पुराने वाली फेसबुक है वो बन जाएगी। तो मैं ऑन करता हूँ दोबारा से अपनी वही आईडी, तो आप देख सकते हैं कि पहले मेरे वाली आईडी पे जो थे ये नीचे थे, लेकिन अब ये ऊपर चले गए हैं, ये देखें। तो अब इसे नीचे कैसे लेके आना है, अब आप इसी तरह रहने दें और जो है फेसबुक को अपडेट करें। अगर अपडेट का ऑप्शन मांगता है वहाँ पे, हम चेक कर लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ओपन लिखा रहा है और अनइंस्टॉल, यानी कि ये अपडेट हो चुकी है। तो इसको आप इसी तरह रहने दें, तो ये थोड़ी देर जब इसकी मुकम्मल लोडिंग हो जाएगी तो आप उसके बाद इसको इस तरह बंद करके और दोबारा जब ऑन करेंगे तो आपके जो है वो ये जो ऊपर आए खड़े हैं आइकॉन, ये नीचे आ जाएंगे। तो ये जो है थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन खुद ब खुद आ जाएगा, आपको इस पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें आज ये बताना था कि इसको ऊपर कैसे ले जा सकते हैं और दोबारा नीचे या ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो अगर आपको नीचे बार आने पसंद है तो आप वो रख सकते हैं, अगर नहीं तो आप लॉग आउट आईडी करके तो दोबारा ऑन करेंगे तो ये ऊपर बार आ जाएगी। तो यही थे आज का हमारे टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।